हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से दया कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे तुम्हारा नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करेंगे? अजय पिजवाड़े से धुआं छोड़ के बना दे नेटवर्क, तुम्हारी कंपनी का सिम यूज कर रहा है, नेट नहीं आना तुम तो डूब के मर जाओ। देखिए सर, कभी कभी रेंज में दिक्कत आती है सर, आप थोड़ा सा खुले में आके बात करें हमसे। ना अंधा है तेरा नेटवर्क जो खुले में आएगा, भीड़ में क्या टक्कर खा जा रही है? अरे थोड़ा प्यार से बात कर लो, तुम मुझसे समझ रहे हो? हाँ गोद में बिठा के तेरा गाल पकड़ के उले ले ना कर दे मेरा बच्चा। अरे दिक्कत कहाँ आ रही है हमको, वो समझाओगे तभी तो हम मदद करेंगे। अरे किसी को फोन लगाने बैठो तो पहले टू 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 इतना गुस्सा आता है कि अगर तुम हमारे सामने आ जाओ उस वक्त तो तुम्हारे मुंह पे मुंह दे। देखो बदतमीजी से बात ना करना तुम हमसे, और तुम्हारे एरिया में तो 5G नेटवर्क लग गया। चूतिया आदमी, जब हमारे पास फोन है 5G नहीं है तो हमका बत्ती बनाकर डालने नेटवर्क ले जाओ और सिम बंद कर दो हमारी। अरे सिम हम बंद नहीं कर सकते। अरे तो नहीं ठीक करो फिर, ये काम हमारा थोड़ी है यार, वो टीम कर रही है। अजय तो तुम्हारा काम का है, तुमको सेटिस्फाई करने का काम है हमारा, तुमसे बात करने का काम है हमारा। चाचा हमको वो लग रहा है, ये कौन लग रहा है, 100 रुपए ऑडियो कॉल, 200 रुपए वीडियो कॉल, नो डिस्काउंट, उसको छिनाल दे। महीना और हमने इस कंपनी में जॉब कर ली, ये हमको छिनाल पक्का बनवा देगी। अरे अपने कैरेक्टर पे शक होने लगा हमें। हेलो नमस्कार सर, मैं एक बार कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुम्हारी कंपनी से कटी फटी पेंट मंगाई है तुमने, क्या भेज दिया? पहले तुम हमको ये बताओ कि ये कटी फटी पेंट होती कौन सी है? अरे सोनू इसको बताना जरा। अजय बोल दो चाचा, जिससे घुटना बाहर आता है। अरे उसको कटी फटी पेंट नहीं बोलते। अरे जो भी बोलते हमको वही चाहिए, तुम इसको रिटर्न करो। देखिए इस पे रिटर्न पॉलिसी नहीं है तो ये वापस नहीं हो सकती। अरे तो का करें इसका, हमसे का पूरा दांत से कुतर लो घुटने में। अजय चाचा बहुजी शेमिंग कर रहा है, अगर दांत होते तो चाचा का रोटी पपोल पपोल के खाते। तो फिर ऐसा करो किसी से लड़ जाओ, घुटनों के पल रगड़ देगा तुम्हें, बन जाएगी कटी फटी पेंट। सोनू वैसे ठीक कह रहा है, अजय का ठीक कह रहा है, अगर गलती से पिजवाड़े के बल रगड़ दिया तो लुट जाएगी तुम्हारी। अरे सोनू तुम बीच में बोल कह रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे जितना कमजोर हमारा चाचा है, अगर किसी ने कसके खेल दिया तो कटी फटी पेंट का पता नहीं पिजवाड़े पे टाके जरूर आएंगे। ये लोग जिंदा कैसे हैं आज के जमाने में, हमें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। अगर इस बार भी लोन रिकवर ना हो तो सैलरी भूल जाना। अरे तुम जितने हमको सैलरी दे रहे हो ना, याद रख के भी हम जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे उसको, और ये पैसा अब देगा। हेलो हेलो नमस्कार सर, मैं लोन डिपार्टमेंट से। काट दिया फोन, अगर इतनी आराम से बात करोगे तो कोई लोन का पैसा नहीं देगा। अरे तो तुम क्या चाह रहे हो, इसे फोन पे मुच्चा मार लूं मैं इसके? बात है रे। अरे फोन क्यों काट रहे हो तुम? अरे तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो यार, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे पीछे पड़े होगा, रात को सोने के लिए बोल रहे हैं तुम्हें हमारे साथ? कंपनी का पैसा लियो, दे दो बात खत्म। अरे सोने के लिए बोलते तो हम नाराज थोड़ी होते, पैसा नहीं दे पाएंगे हम तुम्हारा। अरे दद्दा पैसा दे दो वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे नौकरी नहीं जाना चाहिए, बताओ कितना पैसा है? एक मिनट, 12,370 रुपए है सर आपके। हाँ तो अपने पास से जमा कर दो। अरे हम क्यों जमा करेंगे? अरे इससे तुम्हारी नौकरी बच जाएगी, वैसे कितना रुपया दिहाड़ी देते हैं ये? 12,000 रुपया महीना मिलता है, 300 रुपए दिन लगा लीजिए। अरे इससे अच्छा तो कोठे पे नाच लो तुम, 2 घंटे के 700 मिल जाएंगे। अरे नाचने वाली नचनिया समझ रहे हो तुम हमको? अरे ना ना, उससे भी बुरे हो तुम। हेलो रमेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मरीज खतरे से बाहर आ गया। अब तो ठीक है ना डॉक्टर? जी कोमा में चला गया। अरे डॉक्टर साहब, रमेश के लौंडे ने हमारे लौंडे का हाथ तोड़ दिया। अरे तो तुम रमेश के लौंडे ना तोड़ दो, तुम मेरे पास क्यों आयो? अरे हम उसका हाथ बात नहीं तोड़ सकते, हम तुम्हारे पास आए हैं। मेरे पास आए तो मैं थोड़ी तोड़ूंगा रमेश के लौंडे का हाथ, मैंने ये काम बंद कर रखा भाई। अरे शिर्री आदमी, तुम डॉक्टर हो, तुमसे हाथ जुड़वाने आए हैं? अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब कितनी देर में जुड़ जाएगा हाथ? न बेल्टिंग का काम है मेरा, जो मैं करके तेरा हाथ सीधा करके मार दूंगा। तो बेटे टूकी लगा लेता है, आया क्यों? अरे ये तो पागल है डॉक्टर साहब, तुम ऐसा करो प्लास्टर कर दो इसके हाथ पे। वहाँ मशीन रखी है, जाओ खुद तन लो प्लास्टर। आए अरे मैंने उल्टा सीधा कर दिया तो तुम दोनों बेटे मेरे ऊपर चीखे फिरोगे कि भाई उल्टा सीधा हाथ जोड़ दिया। अरे उल्टा सीधा क्यों जोड़ दोगे, तुम तो पढ़े लिखे डॉक्टर हो। डॉक्टर हूँ ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन पढ़ लिख के आने आया, डिग्री खरीद ली थी मैंने। अरे पागल है बेटा ये डॉक्टर, चल कहीं और जुड़वा लेंगे हाथ। खुद से कोई काम कर मत लियो, कहीं और तो जुड़वा लियो, जिम्मेदार कब बनेगा यार, तभी तो देख आगे नहीं बढ़ लिया तेरी साले। हेलो नमस्कार सर, मैं बैंक की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए सर? अरे बहुत दिक्कत में है, दे दो सर। ओके सर, क्या मैं जान सकता हूँ आप बिजनेस क्या करते हैं? सर इंजीनियर हूँ। जॉब करते होंगे फिर? ना ना, अरे बीटेक चाय वाला खुद की रेडी है। अरे जब तूने बीटेक कर रखा तो फिर चाय क्यों बेच रहा है? अरे हमने बीटेक नहीं करा है। आइंस्टाइन के चौथे चूतर, फिर बीटेक नाम क्यों रखा तूने? अरे बीटेक एक ब्रांड है, ये नाम रखने से यूट्यूब पे वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी। रिया ना जाए, हम बीटेक एक डिग्री है ना तुम्हारे लिए, कॉन्टेंट है वो, जो वीडियो पे वीडियो पेल रहे हो तुम वहाँ पे चाय बना बना के। अच्छा ये बता सिविल स्कोर कितना तेरा? अभी तो 14 साल के हैं, सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ। 14? कौन सी क्लास में है तू? 11वीं में थे, फेल हो गए। 11वीं में विकेट गिर गया और चाय बीटेक के नाम पे बेच रहा है तू? तेरे खानदान में कोई पढ़ा भी है? अरे बातें ना करो, चाचा वकील हैं हमारे। चलो कोई तो पढ़ा लिखा है, कौन से कोर्ट में वकालत करते हैं? अरे कोर्ट में नहीं, चौराहे पे फेमस है वकील चाय वाला। अरे इनका अलग कॉलेज चल रहा है, देश को हो क्या गया जिससे जिंदगी में कुछ नहीं पड़ रहा है, चाय बेचने लग रहा है, फिर तुम डिग्री का नाम क्यों रख रहे हो? हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं जैब बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर मैंने अपने लड़के की फोटो भेजी, आप उसकी शादी करा दीजिए प्लीज। एक मिनट मैम, आपने फोटो देखी?
अरे डिलीट कर दो, हमारे यहाँ के बच्चे डर रहे हैं। ये देखो सर, लौंडा है ये। क्या हुआ सर, बड़े नाथों से पाला है हमने इसे। अरे यही तो गलती होगी कि तुमने इसे पाल लिया। जब ये पैदा हुआ था तो अस्पताल में छोड़ कर भागना था कि ये हमारा नहीं है। सर हल्का काला है बस। ये हल्का सा काला, अगर जिसने काला कलर बनाया इसे देख रहे तो कहेगा हमसे तो गलती हो गई, असली काला तो ये है। सर प्लीज मेरी एक लड़की से शादी करा दो सर। वही सोच रहे हो कि ऐसी क्या मजबूरी होगी उस लड़की की जो तुझसे शादी करेगी। अरे सर इतना बुरा हूँ क्या मैं? देख बुरा मत मानिए, मगर भैया अगर तू रोड पर अकेला खड़ा हो गया ना तो तेरे ऊपर कुत्ता टांग उठा के मुंह देगा। अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं सही बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा आप ये बताइए, जब ये पैदा हुआ था तो नर्स ने इसे देख के क्या कहा था? जब मैंने इसे नर्स को दिखाया तो वो बोली आई हाय मैडम फेंक दो पता नहीं क्या आइटम है। बुखार तो हो रहा है यार मुझे। अरे डॉक्टर साहब हमारे मरीज की धड़कन बहुत तेज चल रही है। अरे तो तू क्या चाह रहा है, धड़कन रोक दूँ उसकी? अरे यार अरे, मतलब धड़कन चल रही है तो मैं दिक्कत है, नहीं चल रही है तो मैं दिक्कत है। डॉक्टर साहब एकदम से बहुत तेज हो गई धड़कन, क्या करें बताओ? तो मैंने क्या उसकी रेंज खींच दी जो तेज हो गई यार, मेरे पास भागा चला रहा है बताओ। अरे डॉक्टर साहब एक बार आकर देख लो, बहुत उल्टी सीधी सांस ले रहा है। तो तुम लेन क्यों दे रहा हो उस उल्टी सीधी सांस? अरे तो क्या करें, तकिया रख दो उसके मुंह पे। अरे बकवास कर रहा हो, तुम्हारी दवाई कोई फायदा तो कर नहीं रही है यार। अरे तो कोई नुकसान भी तो नहीं दे रही है, ये भी तो देख जैसा तू मरीज लाया था वैसी का वैसी पड़ा हुआ। अरे डॉक्टर साहब इनके मरीज की धड़कन कतई रुक गई। अब ठीक हो गया, अब तो रुक गई धड़कन, अब ये मत कह दियो कि हल्का मार के चालू कर दो तुम डॉक्टर साहब। अरे डंगर डॉक्टर, मरीज मर गया हमारा। वो ट्रेडिंग वाली ग्राफ भी रुक गई, उसमें सीधी लाइन खिंच गई। अब क्या कर सकते हैं, उसे जीने की इच्छा ही नहीं है। तू मरीज आदमी है क्यों उल्टी सीधी सांसें ले रहा है सीधी सीधी साले तेरी। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जयपात कर रहा हूँ। सर आपने अपनी सिम पोर्ट की है सर? अरे तुमको सारी बातें बता कौन रहा है? हमको तो भाई रुपया लगता है चाचा। अरे सर हम कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं सर, हमें पता है सर। क्या मैं रीजन जान सकता हूँ पोर्ट करने का नेटवर्क कम आ रहा है क्या? अरे तुम्हारे नेटवर्क तो फालतू आ रहे हैं, बाकी सारी कंपनियों के चार डंडे आते हैं, तुम्हारे तो 12-12 पहुंच जा रहे हैं। सर देखिए मजाक मत कीजिए सर। अरे मेरी साली है तू, तुझसे मजाक करूंगा मैं? चाचा हमको फोन देना जरा, इसने फिर से आए करी। अजय कोई हमको फोन लगा रहा है तो कवरेज क्षेत्र के बाहर, कवरेज क्षेत्र के बाहर मंगल ग्रह पे आ गए का हमको समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसा नहीं है सर, जैसे हम यहाँ से देख पा रहे हैं आपके एरिया में हमारी कंपनी का नेटवर्क है। अजय हमारे एरिया में तो तुम्हारी कंपनी का टावर नहीं है, तो क्या नेटवर्क हवा में तैर रहा है? चाचा बेलौटा झूठ बोल रहा है। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप पोर्ट करने के बाद कौन सी कंपनी का सिम लेंगे? अजय हम आगे दे दे मोबाइल में, हम कोई सिम ले ना ले, तुमसे का लेना देना रिश्ता चल रहा हमारा तुमसे। सर हमें जानने की जरूरत, आप कृपया हमें बताएं। अजय भाग। कौन से मास्टर ने मारा है मेरे लौंडे को? अरे क्या हो गया सर? अरे इतनी जोर से मारा है लौंडे के गाल पे, तीन उंगली छप गई। तो जोर से मारा ही नहीं है इसके। क्यों? अरे जोर से मारने पे तो सर पांच उंगली छपती। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल ना हूँ। तो मैं क्या गुदगुदी कर रहा हूँ तुम्हारे और आदमियों से, तो मैं वैसी मजाक ना करूँ। भाभी जी चाहे तो गोद में बिठा ले। अरे आप ये बताइए मेरे प्यारे से बच्चे को मारा किसने? अरे प्यारी तो आप है भाभी जी, इसकी शक्ल तो ऐसी है, अगर इसे खुले में खड़ा कर दो तो इसके सर पर चील हक देगी। पहले ये बता दे कि तूने मारा क्यों है? अरे इससे मैंने ये पूछ लिया कि आदमी चांद पर कहां तक कूद सकता, तो कह रहा है सही डायरेक्शन में कूदोगे तो पृथ्वी पर गिरोगे आके बताओ। अरे इसके अंदर दिमाग तो बहुत है। दिमाग है नहीं, था भाभी जी, अब तो इसने भेज के गोला खा लिया उसका मुझे। चलो ये बता आदमी के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 412। तेरे यहाँ दो मुखी आदमी पैदा हो रहे हैं, पड़ाको नहीं है मेरे समझ में बात नहीं आ रही। सर अब जैसा भी है हमारा बच्चा है ना? अरे बच्चा नहीं है ये हादसा है, मेरी मानो तो तुम इसे गाड़ी के नीचे देखे भूल तेरी साले। हेलो हेलो नमस्कार सर, मैं दया कर रहा हूँ। अभी हम बात नहीं कर सकते, थोड़ा बिजी है। हाँ बड़ी तू मार्ग चुकर पर की अम्मा जो बिजी है ना। अरे हो कौन तुम और बात कैसे कर रहे हो तुम हमसे? मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ, तुमने हमारी कंपनी का लोन का पैसा टकार के बैठ गया, दोगे कि नहीं दोगे? हाँ घर में आदमी की मौत हो गई, दुख का माहौल है, तुमको पैसे की पड़ी है? दुख का तो पता नहीं, जिस हिसाब से गाने बज रहे हैं तुम्हारे पीछे मुझे लग रहा है तुमने घर आदाब तुम्हारा। ऐसा नहीं है। अरे छोटा तुम्हारी दारू का इंतजाम हो गया, अब चलो फेरे होने वाले हैं। ये कौन सी लाश है जिसके फेरे हो रहे हैं? अरे वो मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी कराई जाए। अरे मेरा भाई एक नंबर की कोताड़ है, अपनी दुकान के बराबर हूँ। अजय फूफा आ जाओ, पैसे लूट रहे हैं। अरे सोनू 70 रुपए का पकुआ है, 35 तू लूट, 35 हम लूटेंगे। जब से नौकरी करी है तुमने एक लोन भी रिकवर नहीं हुआ है तुमसे। अरे तुम हमारे पैर में घुंघरू बांध के हमें चौराहे पर नंगा नचा लो, ये काम ना कराओ हमसे।